आधार यूसीएल अपडेट, मतलब यहाँ पर आप जो कि किसी भी बच्चे का नया आधार कार्ड बना पाओगे, किसी का भी मोबाइल नंबर अपडेट चेंज कर पाओगे, किसी का भी एड्रेस चेंज कर पाओगे, किसी का भी नेम चेंज कर पाओगे। यहाँ पर आप जो कि 3 आईडी ले पाओगे, एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले पाओगे, दूसरा तो आप चाइल्ड ऑपरेटर एनरोलमेंट का आईडी ले पाओगे, तीसरा आप जो कि मोबाइल नंबर लिंक करने का आईडी ले पाओगे, और चौथा जो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले पाओगे, और पाँचवा जो कि आप रिटेलर आईडी। ये जो आईडी है ये 100% वर्क करने वाली आईडी है। आप जो कि किसी का भी छोटे बच्चे का आधार कार्ड बना पाओगे 100%, मोबाइल नंबर अपडेट कर पाओगे 100%, और जो कि आप एड्रेस अपडेट कर पाओगे ये 100%, क्योंकि ये एक बाईपास आईडी है, जो कि ये बाईपास तरीके से ये काम किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाली है, रिटेलर आईडी लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाली है, और आप जो कि इसकी माध्यम से कितना क्या पैसा कमाने वाले हो वो बताऊँगा, और ये सिस्टम पूरी सिस्टम कैसे काम करती है वो डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि भाई आपको पता चलेगा तो तभी तो आप इसमें काम करके थोड़ी बहुत पैसा कमा पाओगे, और इसमें काम करना एक्चुअली में सही है गलत है सब कुछ बताऊंगा, और आपको भाई डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार है वो लाल कलर का बटन दबाओ, जो वो सब्सक्राइब कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वो फ्री है भाई, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बस आपको क्लिक कर देना है ओके। और वीडियो को लाइक करो, आपके लिए बस कुछ इस तरह का नया नया इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए आप बस लाइक करो, बस इतना ही हमें चाहिए आपका, बस एक लाइक। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो भी आधार यूसीएल का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो देखो भाई, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहता है यहाँ पर ले सकता है, ना लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको कोई हाई लेवल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगा, बस अपने मोबाइल फ़ोन पर भी किसी का भी चाइल्ड एनरोलमेंट बना पाओगे, आधार कार्ड बना पाओगे, सब कुछ कर पाओगे ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हो तो आप किसी और बंदे को आप जो कि आईडी दे सकते हो, आधार यूसीएल का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आप जॉब लेते हो तो आप किसी और बंदे को भी आप जो कि आईडी दे सकते हो ओके। यही था डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिटी। और आप रिटेलर आईडी लेते हो तो बस आप उसमें काम कर पाओगे, जैसे कि चाइल्ड एनरोलमेंट, बच्चे लोगों का आधार कार्ड बनाना, किसी का मोबाइल नंबर में अपडेट चेंज करेक्शन करना, किसी का नाम करेक्शन अपडेट चेंज करना है, किसी का DOB नाम अपडेट चेंज करना है, ये सब कर पाओगे रिटेलर आईडी पर। या तो आप किसी एक मोबाइल नंबर अपडेट का आईडी ले सकते हो, या तो किसी DOB चेंज एड्रेस अपडेट का जो कि आप ले सकते हो आईडी, एक एक आईडी भी वहाँ से ही मिलती है। तो बस आपको इनमें से कोई भी आईडी लेना है तो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा आईडी कैसे मिलने वाली है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर आईडी नहीं मिलती है, मेरा 1000 चला गया, मेरा 2000 चला गया। तो भाई पहले वीडियो को कंप्लीट देखो कि हम क्या आपको बता रहे हैं, क्या प्रोसेस है आईडी लेने का, पासवर्ड लेने का, काम कैसे किया जाता है, वो आपको पहले जानना पड़ेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं, ये जो पूरी सिस्टम ये आपको कैसे काम करती है और ये एक्चुअली में काम करती है या नहीं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये एक्चुअल में काम करती है, 100% ये काम करती है, ये आईडी पासवर्ड के थ्रू से आप जो कि कर पाओगे। तो ये सिस्टम कैसे काम कर रही है, तो भाई देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप पूछोगी तो मतलब आप सोचोगी तो भाई, या मुझे पूछोगी कि इसको कैसे पता चला, तो देखो भाई, जैसे एक मीडिया होती है पब्लिक तक तो पहुंचाने के लिए कोई भी जो कि सबूत या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टेलीविज़न हो गया या सोशल मीडिया पर लेके आती है, वैसे ही हम भी आपके लिए दिखाने के लिए कैसे क्या काम होती है, कहाँ पर क्या होती है, वो हम भी आपके लिए जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और आपको बताते हैं, बस आपके सामने हम सब सच लेके आते हैं। तो भाई तो जान लेते हैं, काम करोगे पैसा कमाओगे आईडी मिलेगा, ये 100% ठीक है। तो काम कैसे करती है वो तो पहले आपको जान लेना है। तो सबसे पहली बात ये कि भाई, एक तो ये आधार यूसीएल जो काम करती है, दूसरा ये जो कि बाईपास थ्रू से ये काम करती है, बाईपास ओके, बाईपास थ्रू आप यूसीएल आईडी पर काम कर पाओगे, क्योंकि जेन्युइन तरीके से लेने से हमें एक आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, LMS सर्टिफिकेट, अच्छे खासे सिस्टम चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन चाहिए, IP एड्रेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हमें, जो कि यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, मतलब जो चीज़ आसानी से मिलती है वो बाईपास ही होती है ओके। तो उसमें थोड़ी बहुत रिस्क भी होती है, पैसा तो कमाओगे कोई दिक्कत नहीं, बस रिस्क भी है। तो मैं आपको आईडी पासवर्ड लेने से पहले मैं सब कुछ डिटेल बताता हूँ, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, वो सब कुछ फ्री है, आपको 1 रुपया कहीं देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हम आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। आधार अपडेट आईडी लेने के लिए आपको गूगल पर आना है, किसी ब्राउज़र को ओपन करना है, RK गुप्ता टेक लिखना है, सर्च करना है, यहाँ पर ये लिंक आ जाएगा, ये लिंक पर आपको क्लिक करना है सीधी सी। जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा, पहले नंबर पर पहला पोस्ट पर ही यहाँ पर आपको लेटेस्ट पोस्ट पर ही दिखा दिया जाएगा, CSC आधार अपडेट क्लाइंट लाइट।
यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो इमेज क्वालिटी है, यहाँ पर चाइल्ड एनरोलमेंट, मोबाइल ईमेल अपडेट, नेम अपडेट, DOB अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बस क्लिक करना है और यहाँ पर पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे हमें यहाँ पर काम करना है, इसका क्या प्रोसेस रहती है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक UCL ID रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर लिंक भी मिल जाएगा सीधे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, उनसे बात करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल में बता देंगे। और सीधे ही आप जो कि यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर लेते हो, देखो पहले आपको यहाँ पर आवेदन पर क्लिक नहीं करना है, पहले आपको ये पोस्ट जो लिखा गया है ये जेन्युइन तरीके से लिखा गया है, इसे आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पढ़ के दोस्तों आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ये नंबर आपको सेव करना है, एक लिंक पर क्लिक करना है। जैसे करोगे और एक पेज पर आपको ये लेके आ जाएगा। तो ये पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर दो टाइप का ऑप्शन मिलेगा, एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, दूसरा ये तो आप जो कि आधार कार्ड चाइल्ड आईडी ले सकते हो। जैसे ही आप और गो टू विजिट वाला यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हो, आपको एक पेमेंट पेज पर ले जाएगा। पेमेंट करने से पहले आपको ये वाला जो पोस्ट है, ये वाला जो पोस्ट ना, ये नंबर जो मिला है, ये नंबर पर आपको पहले इस नंबर पर पहले कॉल करके आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके दोस्तों आपको ये वाला जो पेमेंट पेज है, इसमें जो पेमेंट पेज आया है उसमें आपको ये गो टू वेबसाइट वाला सेक्शन पर जाकर आपको बाद में पेमेंट करना है, क्योंकि उनसे पहले बात कर लेना है कॉन्फर्मेशन के लिए। तो ये तो हो गए UCL अपडेट के बारे में। चलिए आप जान लेते हैं कैसे क्या उसमें काम होता है, प्रोसेस क्या है, कैसे ये सिस्टम काम करती है, कैसे हम जो कि यहाँ पर अच्छे से काम करें, पैसा कमा पाएँ। तो भाई इसका जो काम करने का प्रोसेस है, देखो जैसे आपका एक इस आईडी पोर्टल का आधार UCL अपडेट जो पोर्टल है, इसका आईडी पासवर्ड आपको बना के दे देंगे। जैसे ही आप कुछ पेमेंट कर देते हो, करने के बाद ही 100% आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे। 30 मिनट के बाद ही आपको जो कि आईडी पासवर्ड दे देंगे, आधे घंटे के बाद। ओके, जैसे आपको मिल जाएगा, आप जैसे ही ये पोर्टल को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो कि ऑप्शन खोल के आएगा, आपको चाइल्ड एनरोलमेंट करना है, बर्थ DOB चेंज करना है, या मोबाइल नंबर अपडेट करना है, एड्रेस करेक्शन या अपडेट करना है, ये ऑप्शन खुल के आएगा। आप जिस भी जिस कस्टमर का भी आपको अपडेट वगैरह करना है उसका आप डाटा लोगे। डाटा लेने के बाद आप यहाँ पर जो कि सब कुछ फिल करोगे। फिल करने के बाद दोस्तों आप सब कुछ फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आप जो कि उसका बायोमेट्रिक स्कैन करोगे। बायोमेट्रिक लेने के बाद दोस्तों ये पोर्टल पर आप जो कि सबमिट करोगे। जैसे आप ये पोर्टल पर सबमिट करते हो तो वहाँ पर आपको सक्सेसफुली सबमिट का एक जो कि ऑप्शन आ जाती है, जैसे कि ये जो पोर्टल का एडमिन ही आपका शो करवा देती है। बट उस टाइम से आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एडमिन ये पोर्टल को लॉगिन करेगा, उसका साइट से एडमिन पोर्टल से लॉगिन करेगा, तो आपने जो डाटा ये पोर्टल पर भरे होंगे वो उसके पास बताएगा। उसके बाद वो डाटा को लेगा और अपना जो जेन्युइन वाला जो आधार UCL हो गया या आधार सेवा केंद्रों का जो बड़ा किट हो गया, उसमें वो आपका डाटा को VPN के थ्रू हो गया या बाकी सर्वर के थ्रू हो गया, वो वहाँ पर काम करेगा और वहाँ से आपका जो कि ये प्रोसेस को UIDAI सर्वर तक पहुँचाएगा और वहाँ से आपका अपडेट होके आएगा। तो इसीलिए आपको जो कि ये टाइम लगती है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाती है, क्योंकि डायरेक्ट आपका UID के पास नहीं जाता है, क्योंकि आपने डायरेक्ट UID से आपने पासवर्ड नहीं लिया है। आप किसी जो कि एक बाईपास ऑपरेटर सुपरवाइजर से आपने आईडी पासवर्ड लिया है, तो वो क्या करती है, आपका डाटा को पहले उसके पास जाएगा, उससे वो अपना सिस्टम से वो UIDAI पास भेजेगा। तो क्या होती है, ये लोग जो कि एक VPN यूज करते हैं जो कि UIDAI को भी पता नहीं चल पा रही है, जो आपके पास जो डाटा है वो डाटा उनके पास जाएगा, उनके पास जो कि वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर पैकेट भी अपलोड होगा, जो कि वो खुद का पैकेट अपलोड करेंगे और वहाँ से भेज देंगे सीधे UIDAI सर्वर में। UIDAI सर्वर में जो कि सब कुछ वेरीफाई हो जाती है और वहाँ से अपडेट होके 2-3 दिन या 4-5 दिन के अंदर आपके पास ये डाटा सब कुछ निकल के आ जाती है। और आप लोग क्या कहते हो, ये आईडी पासवर्ड काम कर रही है, मतलब काम कर रही है क्योंकि वो बाईपास और VPN के थ्रू वो लोग ये सिस्टम को सब कुछ सेटअप किए हैं। इसीलिए आप जो डाटा दे रहे हो वो उन तक पहुंच रही है, वो लोग जो UID का डाटा दे रहे हैं UIDAI के पास, जो कि वो वेरीफाई हो रही है और जो कि कम्प्लीटली आधार अपडेट अनाउंसमेंट हो जाती है। ओके,
आप उनसे पूछोगे कि भाई बायोमेट्रिक हमें अपडेट करना है, आयर्स अपडेट करना है, तो भाई ये काम नहीं होगा ये, क्योंकि ये बस जो जेन्युइन सिस्टम पर ही ये डाटा को वेरीफाई कर पाएंगे और बाकी जगह पर ये कर नहीं पाएंगे। ये जो मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी ये वगैरह हो गया, ये जो चाइल्ड एनरोलमेंट हो गया, ये जो कि आसान है करना, इसलिए ये लोग वीपीएन के थ्रू ये काम करते हैं। तो भाई कुछ इसी प्रोसेस से ये काम होती है। तो ये तो हो गया कि काम कैसे होती है। तो आईडी ले सकते हो, पैसा दे सकते हो, काम कर सकते हो, बट ये बाईपास थ्रू काम होती है, जेन्युइन नहीं है। पैसा भी अच्छा खासा छापोगे, कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये यू आई डी आई ने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बोला कि भाई आप बाईपास से काम करो, आप बीपीएम से काम करो। ये पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट का जो कि खिलाफ है। तो ये से काम नहीं होती है, लोग पैसे की वजह से ये काम करते हैं। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस जो इन्फॉर्मेशन देना है हम आपको दे रहे हैं। तो भाई जिनको भी काम करना है इस वाला पोर्टल से आईडी पासवर्ड ले सकते हो, जिनको भी पैसा कमाना है और जिनको भी बिना कोई आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, एलएमएस सर्टिफिकेट से पैसा कमाना है, आधार सेंटर चलाना है, आधार में काम करना है, तो आप इनसे ले सकते हो। ये 30 30 मिनट में देते हैं, बट यहाँ पर एक दिक्कत है भाई, ना ये हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं, ना हम यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लिए हैं, बस आपको हम सच बात आपके सामने लेके आए हैं, जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं। तो जब भी कोई फंसेगा यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से, कोई भी फंसेगा, तो पूछो मत कि उसका हाल क्या होने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पंगा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इलीगल हो रही है। ठीक है भाई, आप जो कि काम तो कर रहे हो, बट जो वीपीएन जो हो गया, जो अदर सर्वर से जो अपलोड हो रही है पैकेट, जो जेन्युइन तरीके से नहीं हो रही है, ये इलीगल है। ओके, जैसे कि किसी का बायोमेट्रिक स्कैन करके वहाँ पर यूआईडीआई के साथ फ्रॉड करना, ये दिक्कत है ना। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी हाथ में नहीं आया है, और बहुत कुछ लोग आए हैं जो कि वो लोग कितना क्या पेनल्टी भरे हैं, क्या हो रहे हैं, वो उनको पता है। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ बात ये है, आप काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, छोटे लोगों का बच्चे का आधार कार्ड बना सकते हो, पैसा छाप सकते हो, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि भाई आप जो कि यहाँ पर एक बार पकड़ में आते हो, तो जितने कमाए होंगे ना, उससे 100 गुना आपका चला जाएगा कोर्ट कचहरी के अंदर करते करते। ओके, और हो सके तो बहुत कुछ भी हो सकती है, जितना हम पता है हम उसने बता रहे हैं, तो ये आपके मर्जी। आईडी पासवर्ड लेना है तो ले सकते हो, बहुत लोग कहते हैं फेक है, ये है वो है, ये यहाँ पर काम कर रही है, आईडी पासवर्ड लेना है ले सकते हो भाई, हम आपको कौन है, हम रुकने वाले हैं। जिनको जो फ्रॉड काम करना है, जो इलीगल काम करना है, कर सकते हो, बस हमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो बस यही था दोस्तों प्रोसेस। वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, दबा के लाइक कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का बताऊंगा दबा के, वो भी बिल्कुल फ्री है। कुछ इस तरह का नया नया इन्फॉर्मेटिव, नया नया जानकारी डिटेल में जानने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।